इस सेक्शन में हम सीखेंगे फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस। इक्वेशन विथ पैरामीटर ऑलवेज रिप्रेजेंट्स अ फैमिली। तो हमारे पास अगर कोई इक्वेशन है और उसमें कोई पैरामीटर है तो हमेशा ही वो स्ट्रेट लाइन फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। एग्जाम्पल के लिए एक इक्वेशन ले लेते हैं स्ट्रेट लाइन का, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। सी को यहाँ पर हम पैरामीटर मान लेते हैं और m को यहाँ पर हम कॉन्स्टेंट मान लेते हैं। m को हमने कॉन्स्टेंट मान लिया है तो m की वैल्यू तो चेंज नहीं होगी, बट c पैरामीटर है तो c की वैल्यू चेंज होगी। तो जब हम c की वैल्यू चेंज करेंगे तो ये इक्वेशन भी चेंज होगा। ये हो जाएगा y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वन। हमने c की वैल्यू चेंज करके c1 कर दी और c की वैल्यू अगर चेंज करते जाएंगे तो ये इक्वेशन भी चेंज होता जाएगा। तो हो जाएगा y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टू, अगर हम c की वैल्यू c2 कर दें। सिमिलरली c की वैल्यू आप चेंज करते जाइए तो ये हो जाएगा y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी थ्री एंड सो ऑन। हमें इन्फिनाइट नंबर्स ऑफ इक्वेशंस मिल जाएंगे। और अगर इन सारे इक्वेशन को हम ड्रॉ करें एक्स वाई प्लेन में, तो इसको अगर ड्रॉ करेंगे तो हो जाएगा y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वन। तो इसका y इंटरसेप्ट c1 है और इसको अगर ड्रॉ करेंगे तो ये हो जाएगा ये वाली लाइन्स y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टू, जिसका y इंटरसेप्ट c2 है। सिमिलर जिसको अगर ड्रॉ करेंगे तो ये हो जाएगा उस टाइप का y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी थ्री, जिसका y इंटरसेप्ट c3 है। तो ऐसे ही जब हम c की वैल्यू चेंज करते जाएंगे तो हमें इन्फिनाइट नंबर्स ऑफ इक्वेशन मिलेंगी और इन्फिनाइट नंबर्स ऑफ लाइंस मिल जाएंगी हमें। और सारे लाइंस पैरेलल होंगे यहाँ पर, क्योंकि केवल y इंटरसेप्ट चेंज हो रहा है, स्लोप कॉन्स्टेंट है। तो ये इक्वेशन हमें बताता है, ये इक्वेशन है फैमिली ऑफ पैरेलल स्ट्रेट लाइंस। तो इस इक्वेशन से हमें फैमिली ऑफ पैरेलल स्ट्रेट लाइंस मिल जाएंगी अगर हम केवल c चेंज करें और स्लोप को कॉन्स्टेंट रखें। तो जब हम स्लोप को कॉन्स्टेंट रखेंगे तो सबका इंक्लिनेशन सेम होगा x एक्सिस से, तो सारे लाइंस पैरेलल होंगे, बट ये y इंटरसेप्ट चेंज होता जाएगा क्योंकि हमने केवल c की वैल्यू चेंज की है। तो इस इक्वेशन से हमें मिल जाएगा फैमिली ऑफ पैरेलल स्ट्रेट लाइंस। और अगर हम c की वैल्यू चेंज करते जाएंगे तो हमें इन्फिनाइट नंबर ऑफ इक्वेशंस मिलेंगी, तो हमें इन्फिनाइट नंबर ऑफ लाइंस मिल जाएंगी। तो हम ये कह सकते हैं कि एवरी फैमिली हैज इन्फिनाइट मेंबर्स। तो अगर हमारे पास कोई इक्वेशन है, उसका एक पैरामीटर है, उसको अगर हम चेंज करते जाएंगे तो इन्फिनाइट वे में उस पैरामीटर को हम चेंज कर सकते हैं, तो हमें इन्फिनाइट नंबर्स ऑफ मेंबर्स मिल जाएंगे उस फैमिली के। यहाँ पर हमें इन्फिनाइट नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस मिल रही है, तो हम ये कह सकते हैं कि एवरी फैमिली हैज इन्फिनाइट मेंबर्स। और एक चीज़ और याद रखिए कि इफ़ L1 एंड L2 आर टू डिफरेंट स्ट्रेट लाइंस, देन L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू जीरो रिप्रेजेंट्स फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ L1 एंड L2। तो अगर हमारे पास दो लाइन है, से L1 एंड L2, और इन दोनों स्ट्रेट लाइन का एक इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो अगर हम L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू जीरो करें तो ये इक्वेशन हमें फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस देगा जो इन दोनों लाइंस के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास करता है। तो इस इक्वेशन से हमें मिलेंगे ये सारे स्ट्रेट लाइंस जो इन दोनों स्ट्रेट लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास करते हैं। तो ये सारे मेंबर्स का इक्वेशन हम इस फैमिली से निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू जीरो अगर हम करते हैं, लैम्डा की वैल्यू आप चेंज करते जाइए तो हमें मिल जाएगा L1 प्लस लैम्डा 1 L2 इक्वल टू जीरो, और जिस लैम्डा की वैल्यू हम फिर चेंज कर देंगे हमें मिल जाएगा L1 प्लस लैम्डा 2 L2 इक्वल टू जीरो। ऐसे ही लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 3 L2 इक्वल टू जीरो। ऐसे हम अगर लैम्डा की वैल्यू चेंज करते जाएंगे तो हमें इन्फिनाइट नंबर्स ऑफ इक्वेशंस मिल जाएंगे। लैम्डा यहाँ पर पैरामीटर है, लैम्डा यहाँ पर पैरामीटर है। यहाँ पर जब हम लैम्डा की वैल्यू चेंज करते जाएंगे तो हमें इन्फिनाइट नंबर्स ऑफ इक्वेशंस मिल जाएंगे। तो हमें इन्फिनाइट नंबर्स ऑफ स्ट्रेट लाइंस मिलेंगी जो इन दोनों लाइंस के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास करती हैं। L1 एंड L2 के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास करने वाली हमें इन्फिनाइट स्ट्रेट लाइंस मिलेंगी, और ये सारे स्ट्रेट लाइंस मेंबर्स हो जाएंगी इस फैमिली से। तो ये इक्वेशन ऑफ फैमिली है, केवल आप लैम्डा की वैल्यू चेंज करते जाइए तो आपको सारे स्ट्रेट लाइंस के इक्वेशन मिल जाएंगे, और वो सारे ही स्ट्रेट लाइंस इन दोनों लाइंस के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास करती हैं। तो आप ये चीज़ याद रखिए, दिस इक्वेशन इज द फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ L1 एंड L2। हम एक एग्जांपल कर लेते हैं। हमें एक एग्जांपल दिया हुआ है,
फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ 2x plus y minus 1 equal to 0 and x plus y minus 3 equal to 0 and makes an angle of 45 degree with positive direction of x-axis. तो क्वेश्चन में हमें दो लाइंस दी हुई हैं और इन दोनों लाइंस के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास करने वाला एक हमें स्ट्रेट लाइन निकालना है जो x-axis से 45 degree एंगल बनाता है. तो इस इक्वेशन को हम लाइन L1 का इक्वेशन मान लेते हैं और इस इक्वेशन को हम लाइन L2 का इक्वेशन मान लेते हैं. तो हमें दो स्ट्रेट लाइंस दी हुई हैं L1 एंड L2 और हमें तीसरा स्ट्रेट लाइन निकालना है जो इन दोनों लाइंस के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास करता है. इसको हम लाइन L मान लेते हैं. हमें लाइन L का इक्वेशन निकालना है और क्वेश्चन में ये भी दिया हुआ है कि ये जो लाइन है ये x एक्सिस से 45 डिग्री के एंगल बनाती है. तो जब हमें ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस से 45 डिग्री के एंगल बनाती है तो इसका मतलब है कि हमें इंक्लिनेशन दिया हुआ है इस लाइन का, तो हमें इससे स्लोप मिल जाएगा. इस लाइन का अगर हम स्लोप m मान लेते हैं तो हमें m मिल जाएगा tan थीटा से, थीटा पर 45 डिग्री है और tan 45 डिग्री होता है 1. तो हमें इस लाइन का स्लोप 1 दिया हुआ है. अगर हमें इंक्लिनेशन दिया हुआ है इसका मतलब हमें स्लोप पता है इस लाइन का. और ये लाइन इन दोनों लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास करती है, मतलब ये लाइन इन दोनों लाइंस के फैमिली को बिलोंग करती है जो इन दोनों लाइंस के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास करती है. तो यहाँ पर हमें L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू जीरो से हमें वो सारी लाइंस मिल जाएंगी जो इन दोनों लाइंस के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास करती है. तो ये फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस है. L1 का इक्वेशन ये प्लस लैम्डा L2 का इक्वेशन ये इक्वल टू जीरो. तो यहाँ से मिल जाएगा 2x plus y minus 1 equal to lambda x plus lambda y minus 3 lambda equal to 0. सॉरी ये equal to नहीं है, ये plus sign है. तो यहाँ से मिल जाएगा 2 plus lambda x plus 1 plus lambda y minus 3 lambda minus 1 equal to 0. तो ये हमें मिल गया फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ L1 एंड L2. और लाइन L भी इस फैमिली का मेंबर है तो लाइन L का इक्वेशन भी यही होगा. बट हमें दिया हुआ है कि जो लाइन L है उसका स्लोप 1 है. तो अगर हम इस फैमिली मेंबर्स के स्लोप को 1 से इक्वेट करें तो हमें ये वाला लाइन मिल जाएगा, क्योंकि हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में कि इस लाइन का स्लोप 1 है, मतलब ये 45 डिग्री एंगल बनाता है x एक्सिस. तो आप इस लाइन का स्लोप निकालिए और 1 से इक्वेट कर दीजिए तो आपको इस लाइन का इक्वेशन मिल जाएगा, क्योंकि ये लाइन भी इस फैमिली का मेंबर है. तो इस लाइन का स्लोप हो जाएगा माइनस टाइम्स ऑफ एक्स का कोएफिशिएंट डिवाइड बाय वाई का कोएफिशिएंट. इसको आप 1 से इक्वेट कर दीजिए तो आपको ये वाला स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा. तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस 2 माइनस लैम्डा इक्वल टू 1 प्लस लैम्डा. इसको हमने राइट साइड मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 2 लैम्डा इक्वल टू माइनस 3. तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी माइनस 3 बाय 2. तो आप लैम्डा की वैल्यू यहाँ डाल दीजिए तो आपको ये वाला इक्वेशन मिल जाएगा, इस लाइन का इक्वेशन मिल जाएगा. तो यहाँ से आप जब लैम्डा की वैल्यू माइनस 3 बाय 2 डालेंगे तो हमें मिल जाएगा 2 माइनस 3 बाय 2 एक्स प्लस 1 माइनस 3 बाय 2 वाई माइनस 3 इंटू माइनस 3 बाय 2 माइनस 1 इक्वल टू 0. तो ये हो जाएगा हाफ एक्स माइनस हाफ वाई प्लस 7 बाई 2 इक्वल टू 0. इसको जब सॉल्व करेंगे तो मिलेगा एक्स माइनस वाई प्लस 7 इक्वल टू 0 और यही हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन है.